हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। कल्याणी देवी के नाम में ही बस कल्याण था, वैसे उसकी फितरत में किसी का भी कल्याण ना करना ही समाया था, साथ ही समाया था लालच। हर चीज में लालच करना कल्याणी देवी की रग रग में था, जिसके चलते वो अपनी बहू सौम्या को किचन में खाना बनाते वक्त एक पल के लिए भी अकेला नहीं छोड़ती थी कि कहीं किसी चीज का ज्यादा इस्तेमाल ना हो जाए। ऐसे ही एक दिन जब सौम्या रसोई में दाल बना रही थी, तभी वहाँ कल्याणी आकर उससे कहती है, अरे बहू, तुझे पता है बगल वाली विमला ने आज पनीर की सब्जी बनाई है, जा तो जरा एक कटोरी लेकर आ। माँ जी, ऐसे अच्छा लगता है क्या किसी के घर से सब्जी मांगना? अरे आपको खाने का इतना ही मन है पनीर, तो ला कर दे दो, मैं बना दूंगी। पागल है क्या, पता है तुझे पनीर कितना महंगा है, और जब मांग के मिल जाएगा तो बनाने की क्या जरूरत है? तू चुपचाप एक कटोरी में दाल ले जा, वो अपने आप उसमें पनीर डालकर दे देगी, उसकी आदत नहीं है खाली कटोरी भेजने की। कल्याणी देवी का लालच बेचारी उसकी बहू को भारी पड़ता था। अब सास ने कहा तो सौम्या भी एक कटोरी में दाल डालकर अपनी पड़ोसन विमला के घर जाती है और वहाँ जाकर बोलती है, नमस्ते आंटी जी, वो माँ जी ने दाल भिजवाई है, माँ जी कह रही थी आपको दाल पसंद है इसलिए। अच्छा अच्छा, अरे पर बेटा इसकी क्या जरूरत थी, कोई नहीं ले आई है तो दे दे। कोमल बहू, जरा सौम्या से ये दाल की कटोरी लेकर इसको खाली करके दे दे। विमला की बहू कोमल दाल की कटोरी लेकर उसको वापस से खाली कटोरी दे देती है, जिस पर सौम्या जाते हुए अपने मन में कहती है, इन्होंने तो खाली कटोरी दे दी, अब अगर माँ जी को ये पता चला तो वो मुझे दोबारा भेज देंगी वापस दाल लेने, क्या करूँ क्या करूँ। सौम्या असमंजस में थी, तभी विमला खुद उसे आवाज देकर रोकते हुए कहती है, सौम्या बहू रुक एक मिनट, कोमल बहू इस कटोरी को खाली नहीं देते, जा तूने जो सब्जी बनाई है वो इसमें डाल के इसको दे दे। कोमल सौम्या से कटोरी लेकर उसमें अपनी बनाई पनीर की सब्जी डालकर देती है, जिसकी बात सौम्या खुशी से वहाँ से चली जाती है, जिस पर विमला अपने मन में कहती है, ये कल्याणी अपने लालच में अपनी बहू का इस्तेमाल करते थकती नहीं है, बेचारी अपनी सास की वजह से शर्मिंदा होती रहती है। सौम्या सब्जी लेकर घर आती है और उसके आते ही कल्याणी उसे सब्जी की कटोरी छीन के खाने की टेबल पर बैठ जाती है और बोलती है, बहू जा और अब जल्दी से मेरे लिए गर्मा गर्म रोटी बना ला। सौम्या कल्याणी को रोटी बना कर देती है और कल्याणी अकेले ही सारी सब्जी कटक जाती है। लेकिन कल्याणी के लालच का सिलसिला इतना ही नहीं था, उसकी रसोई में लगभग सारा राशन खत्म था, जिसके चलते एक शाम सौम्या उसे कहती है, माँ जी रसोई में सारा राशन खत्म है, राशन भरवा दो। क्या राशन खत्म है, मेरी रसोई में ऐसे कैसे राशन खत्म हो गया, दिखा जरा। कल्याणी रसोई में रखे सारे दाल के डब्बे खोल खोल कर देखती है और उनमें से निकली थोड़ी थोड़ी बहुत दाल के दानों को मिलाकर मिक्स करके धोती है, एक कुकर में डालकर उसमें बहुत सारा पानी डालकर दाल चढ़ाती है और कुछ देर में दाल बन जाने पर वो अपनी बहू से कहती है, बहू देख, तू बोल रही थी कि राशन खत्म है, लेकिन यहाँ मैंने रात तक के लिए दाल बना दी, तो आज तो राशन खत्म होने से रहा और कल के लिए हमें कुछ करना पड़ेगा, चल एक कटोरी लेकर आ, बड़ी वाली कटोरी लेकर आइयो। कल्याणी के कहने पर सौम्या बड़ी वाली कटोरी लेकर आती है, जिसके बाद कल्याणी उससे कहती है, बहू जा पड़ोस के 2000 घरों से अलग अलग दालें मांग ला, बोलियो हमारे घर खत्म हो गई, हम कल ले आएंगे। माँ जी मुझे ऐसे मांगना अच्छा नहीं लगता, सुमित जी ने पैसे तो भिजवाए थे ना, आप उससे राशन भरवा लो ना। तू चुप कर, मेरा बेटा घर से दूर रहकर पैसे कमा रहा है तो क्या ऐसे ही उड़ा दूँ, बचत नाम की भी कोई चीज होती है, और पैसे क्या राशन में बर्बाद करने के लिए होते हैं, जितना बोला है ना तुझसे उतना कर। बेचारी सौम्या सबके घरों में दालें मांगने जाती है, उसको ये काम करते हुए बड़ी शर्मिंदगी महसूस होती है, लेकिन अपनी लालची सास की रसोई को भरने के लिए उसे ये करना पड़ता है। कुछ देर में जब सौम्या सबसे दालें मांग कर लाती है, तो कल्याणी उन सबको अलग अलग डब्बों में डालकर एक अलमारी में रखकर उस पर ताला लगाते हुए कहती है, बहू तेरे हाथों में तो खर्चा ही बहुत है, अब से तुझे कुछ बनाना होगा तो तू मेरे पास आएगी, मैं तुझे नाप तोल के निकाल के दिया करूँगी दालें, उतनी ही दाल बनाएगी तू। ठीक है माँ जी, ये मेरी सास का लालच ना कभी खत्म नहीं होगा, दूसरों के घर से मांगी हुई दालें भी ताले में रखती हैं। अब अगर सौम्या का कुछ भी खाने का मन करता तो उसको कल्याणी से इजाजत लेनी पड़ती और कल्याणी
उसको इजाजत तो देती ही नहीं थी। ऐसे ही एक शाम किसी काम से वापस घर आ रही सौम्या को अचानक चक्कर आता है। तभी पड़ोसन विमला उसे संभालते हुए कहती है, अरे बहू तो ठीक तो है, क्या हुआ तुझे इतने चक्कर क्यों आ रहे हैं? आंटी वो शायद कुछ ना खाने की वजह से। कोई नहीं, मैं ठीक हूँ। तू कहाँ ठीक है, चल मेरे घर आ जा। विमला सौम्या को अपने घर ले जाती है और ये सब कल्याणी अपनी छत की बालकनी से देख रही थी, जिस पर वो बोलती है, हो ना हो ये विमला मेरी बहू को कुछ खाने पीने को तो जरूर ही देगी। वैसे तो मेरी रसोई में भी पीने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन वहाँ का सामान क्यों खर्च करूँ। इतना बोलकर कल्याणी भी विमला के घर चल देती है और वहाँ जैसे ही विमला सौम्या को जूस पीने के लिए देती है, तभी कल्याणी वहाँ आकर कहती है, बहू तो यहाँ है, ठीक तो है? कमला बता रही थी तुझे चक्कर आ रहे हैं। हाँ कल्याणी बहन, इसको चक्कर आ रहे हैं, इसलिए मैंने ये जूस इसको दे दिया। ले सौम्या बहू पी ले। लाइए मुझे दीजिए, मैं पिलाऊं। ले बहू, अरे पी ले, मन नहीं है क्या? चल कोई नहीं। कल्याणी सिर्फ नाटक करते हुए जूस का ग्लास सौम्या के होठों तक लगाती है, जिसके बाद उसके ना पीने का बहाना करके वो खुद सारा जूस पी जाती है। और जूस पीते ही वो सौम्या को पकड़कर अपने साथ ले जाते हुए कहती है, चल बहू मैं तेरे लिए खिचड़ी बना देती हूँ घर जाकर, थक जाती है काम कर कर। ऐसा बोलते हुए कल्याणी सौम्या को घर ले जाती है और विमला ये सब देखकर बोलती है, बेचारी सौम्या कैसी सास के पल्ले पड़ गई, जो इसको कुछ खाने को दे ना दे लेकिन अपने खाने का इंतजाम कर लेती है। न जाने इसने अपने रसोई में कुछ खाने को रखा भी होगा या नहीं। घर आकर सौम्या को पानी पिलाकर कल्याणी सुला देती है, लेकिन अब हालात और खराब होते जा रहे थे। कल्याणी की रसोई में हर चीज होने के बावजूद वो उस सामान का इस्तेमाल या खर्च नहीं करने देती थी और ऐसे ही बहू को मांगने भेजा करती थी। ऐसे ही एक दोपहर मोहल्ले के दुकान से उधार मांगने गई सौम्या संग वहाँ का दुकानदार भी उसके साथ घर आता है और कल्याणी देवी से कहता है, कल्याणी देवी जी ये देखिए आपकी बहू आज फिर से उधार मांगने आई। अरे कहती है मेरे घर की रसोई के सारे डब्बे खाली पड़े हैं, कृपया करके कुछ उधार दे दीजिए। ये क्या कह रहे हैं आप, मेरी रसोई 12 महीने खाली नहीं रहती, चाहे तो देख लीजिए। कल्याणी दुकानदार को रसोई में लाकर दिखाती है कि वहाँ सारे डब्बे दाल और राशन से ऊपर तक भरे हैं, खाने पीने की चीजों से रसोई पूरी लबालब है। ये देखकर दुकानदार बोलता है, तो फिर आपकी बहू ने ऐसा क्यों कहा कि घर में कुछ खाने को नहीं है? क्या बताऊं भैया, ये मेरी बहू है ना, सब कुछ होते सोते भी मांगने की आदी हो गई है, मतलब अपने घर का राशन इस्तेमाल नहीं करना चाहती, इतनी लालची है। अरे बहू कितनी बार कहा है जब घर में सब है तो क्यों मांगती है, ये सब क्या मैं अपनी छाती पर लेकर जाऊंगी, तेरे लिए ही तो है सब कुछ। पर माँ जी मुझे तो। अब तू चुप रह, माफ़ी मांग लूंगी मैं इनसे। भाई साहब इसको माफ कर दो। ये सारा ड्रामा पूरा मोहल्ला इकट्ठा होकर देखने लगता है। तभी सौम्या का पति सुमित, जो दूसरे शहर काम के सिलसिले में गया था, वो वापस आता है और अपने घर के बाहर ऐसे भीड़ देखकर अंदर जाता है और अपनी माँ से इस भीड़ के होने का कारण पूछता है। कल्याणी उसको सब बताती है, जिस पर सुमित सौम्या से कहता है, सौम्या इतना क्या लालच दिखाना, अरे मैं अपने परिवार से इतनी दूर रहकर किस लिए कमा रहा हूँ, तुम्हारे और माँ के लिए, बावजूद इसके तुमको ये सब करना पड़ रहा है। बेचारी सौम्या कुछ नहीं बोलती और बस रोती रहती है। लेकिन तभी मोहल्ले वालों की भीड़ से विमला निकलकर आकर बताती है, अरे सुमित बेटा आखिर तुमने भी वो सच मान लिया जो तुमको दिखाया गया। सच ये नहीं है, सच ये है कि सौम्या नहीं बल्कि लालची तुम्हारी माँ है, इस बेचारी को खाने के लिए तरसा देती है, लोगों से मांगने के लिए मजबूर कर देती है, जबकि तुम्हारी माँ खुद के घर में सब होते हुए भी सारी चीजें ताले में बंद करके रखती है। विमला सारा सच सुमित को बताती है, जिस पर कल्याणी की आंखें सुमित के आगे शर्म से झुक जाती है और वो बोलती है, बेटा वो तो मैं बस बचत के लिए करती थी। माँ आज आपने हद कर दी, अपने लालच में आपने सौम्या का पूरे मोहल्ले के आगे तमाशा बना कर रख दिया, अब मैं अपनी बीवी को अपने साथ ले जाऊंगा, नहीं छोड़ूंगा आपके पास। नहीं बेटा माफ कर दे मुझे, प्लीज मुझे माफ कर दे, अब से मैं कोई लालच नहीं करूंगी। कल्याणी बहुत माफी मांगती है, तब जाकर सुमित और सौम्या कल्याणी को माफ करती है, जिसके बाद कल्याणी मोहल्ले वालों से जितना भी सामान लिया था वो सब वापस करती है, दुकानों का उधार चुकाती है,
साथ ही अपने घर की रसोई में कभी किसी चीज की कमी नहीं होने देती। सुबह के वक्त विनीता और अनु बातें करते हुए मिल बांट कर सारा काम खत्म करती है और विनीता सबके लिए चाय लेकर आती है, जिसके बाद सभी चाय की चुस्कियों के साथ सुबह की शुरुआत करते हैं। और राधा को अनु की तरफ लगातार देखता देखकर अनु की भाभी विनीता बोलती है, माँ जी क्या हुआ, आप मेरी ननद को ऐसे क्यों देख रही हैं? कुछ नहीं बहू, देख रही हूँ कि अनु कितनी बड़ी हो गई है। कुछ दिन में इसके हाथों में मेहंदी लगेगी और ये हमेशा के लिए पराई हो जाएगी। माँ जी, अनु के लिए कोई रिश्ता आया है क्या? हाँ, बड़ा ही अच्छा रिश्ता आया है, कल वो हमारी अनु को देखने आ रहे हैं। अपनी शादी की बात सुनकर अनु शर्माते हुए कमरे में चली जाती है और अगले दिन विनीता लड़के वालों के आने के लिए सफाई से लेकर नाश्ते पानी तक का सारा इंतजाम करती है। तभी रुक्मणी अपने बेटे शिव के साथ चलकर अंदर आती है और राधा उनको सोफे पर बैठाते हुए विनीता से बोलती है, बहू जा जल्दी से अनु को लेकर आ। जी माँ जी, अभी लाई। विनीता चेहरे पर मुस्कान लेकर अपनी ननद के कमरे में जाकर उसे बोलती है, हाय कितनी सुंदर लग रही है मेरी ननद, किसी की बुरी नजर ना लगे। भाभी मैं नर्वस हूँ, मुझे डर लग रहा है कि कहीं मेरे मुंह से कुछ गलत ना निकल जाए, जिस वजह से आपको सबके सामने मेरी वजह से शर्मिंदा होना पड़े। ऐसा कभी नहीं होगा, क्योंकि मेरी प्यारी ननद बहुत संस्कारी है। देखना तुम्हारे संस्कार और बातें उनको एक मिनट में तुम्हारी तरफ आकर्षित ना कर दे तो कहना। इतना कहकर विनीता अपनी ननद अनु को लड़के वालों के पास लेकर आती है और रुक्मणी उससे कुछ सवाल पूछती है और अपने सवालों के जवाब सुनकर वो अपने मन में बोलती है, इस जमाने में भी इतने संस्कार, मेरे तो भाग ही खुल गए, अब तो यही मेरे घर की बहू बनेगी। चालबाज रुक्मणी रिश्ते के लिए फौरन हाँ कर देती है, जिसके कुछ दिनों बाद अनु और शिव की शादी हो जाती है। विदाई के वक्त राधा रोती हुई बोलती है, अनु बिटिया अपनी माँ के दिए संस्कारों को कभी मत भूलना, आज से वो तेरा घर हो गया और अब से रुक्मिणी जी ही तेरी माँ है। भोली अनु अपनी माँ के दिए संस्कारों को थामे हुए आँखों में आंसू लेकर विदा होती है और कुछ ही देर में वो अपने ससुराल आ जाती है, जहाँ रुक्मिणी उनका स्वागत करती है। और अगले ही दिन अनु सुबह उठकर नहा धोकर पूजा करती है, जिसके बाद वो अपनी सास के कमरे में चाय लेकर जाती है और बोलती है, माँ जी उठिए, माँ जी माँ जी चाय लाई हूँ। बहू सोने देना, मैं चाय नहीं पीती। सास की बात सुनकर अनु चाय का कप लेकर किचन में चली जाती है और खाना बनाने लगती है। वक्त बीतने के साथ सुबह के 10 बज जाते हैं, जिसके बाद उसकी सास रुक्मणी की आँख खुलती है और वो बोलती है, न जाने मेरी ये संस्कारी बहू ऐसा क्या कर रही है कि अब तक चाय नहीं लाई। रुक्मणी गुस्से में लाल पीली होकर किचन में आकर बोलती है, ओ तो यही है तू, माँ जी उठ गई अब? बस बस बनकर अपना ये झूठे संस्कारों का दिखावा। माँ जी आप ऐसे क्यों कह रही है, मुझसे कोई गलती हो गई क्या? सजना सवरना याद था, खाना भी बन गया, लेकिन अपनी बूढ़ी सास को चाय देना याद नहीं रहा। पर माँ जी मैं तो क्या, मैं तो अगर तू नहीं बना सकती तो हट, मैं खुद बना लेती हूँ। माँ जी मैं आपके कमरे में चाय लेकर आई थी, आपने खुद ही तो बोला कि आप चाय नहीं पीती, फिर मैं क्या करती, और मेरी रहते आपकी चाय बनाएंगी, आप रुकिए मैं अभी बना कर लाती हूँ। हाय झूठी, मैंने तो कोई आवाज़ नहीं सुनी, तू आज से ही अपने रंग दिखाने लगी। माँ जी ऐसा क्यों कर रही है, मैंने इन्हें जगाया था, कितना गला फाड़ फाड़ के चिल्ला रही थी कि चाय पी लो उठ जाओ। माँ जी मुझसे गलती हो गई, मैं दोबारा चाय बना कर लाती हूँ, मुझे माफ कर दीजिए। हाँ मैं भी वही कह रही थी, खैर कोई एहसान नहीं कर रही तू अपनी गलती मानकर। तेज रुक्मणी अपनी गलती ना मानकर अपनी बहू को चार बातें सुनाती है और चाय पीते हुए अपने मन में बोलती है, क्या संस्कारी बहू है, मुझे पता था कि गलती मेरी है, फिर भी इसने चुपचाप मेरी सारी बातें सुन ली। वक्त गुजरता है और तेज रुक्मणी हर वक्त अपनी बहू के संस्कारों का फायदा उठाती, कभी अनु घंटों उसके पैर दबाती, कभी बेमतलब उसकी खरी खोटी सुनती, लेकिन अनु अपनी माँ के दिए संस्कारों के कारण चुप रहती। एक रोज उसके घर एक लेटर आता है, जिसको पढ़ के आलोक बोलता है, बहू
अनु बहु जल्दी आ, तेरे लिए खुशखबरी है। अरे क्यों चिल्ला रहे हो, क्या हो गया और ये लिफाफा कैसा है? बहु ने कोई फॉर्म भरा था, उसी का ज्वाइनिंग लेटर है। पापा जी आपने बुलाया। बहु तूने जो नौकरी के लिए अर्जी डाली थी वो पूरी हो गई, अब तुझे कल से ज्वाइन करना है। सच्ची? हाँ, अब जल्दी से मिठाई खिला। अनु की खुशी देखकर उसकी सास अपने दिमाग में शतरंज की चाल चलते हुए बोलती है, ठहर जा बहू, अगर तुझे ये नौकरी करके मेरी इज्जत मिट्टी में मिलानी है ना, तो एक पुड़िया जहर दे दे पहले मुझे, या फिर अपने ही हाथों से मेरा गला दबा दे, क्योंकि जीते जी मैं तुझे ये करते देख नहीं सकती, इससे अच्छा मैं मर ही जाऊं। माँ जी आप ऐसा क्यों बोल रही हैं? मैं आपको सास नहीं बल्कि अपनी माँ समझती हूँ। अगर तू मुझे माँ मानती है तो तू इस नौकरी के लिए मना कर दे, बहू घर की शोभा और शान होती है, बाहर की नहीं। आज तेरी माँ के दिए संस्कारों की परीक्षा है, मैं भी देखती हूँ कि तू मुझे चुनती है या अपनी इस नौकरी को। सास की चाल को ना समझते हुए अनु उसकी चिकनी चुपड़ी बातों में आकर इमोशनल हो जाती है और बोलती है, माँ जी रोइए मत, मैं आपका दिल दुखाकर जॉब ज्वाइन नहीं करूँगी। मेरी माँ कहती है कि बड़े बुजुर्गों का दिल दुखाकर कभी खुशी नहीं मिलती। इस तरह रुक्मणी अपनी चालाकी भरी शब्दों का इस्तेमाल करके अपनी बहू को सपने चूर चूर करने पर मजबूर कर देती है और बोलती है, हाय मेरी संस्कारों की देवी बहू, एकदम अलग पीस है, चार आंसू की बूंदे क्या गिरी, ये तो भावनाओं में बह गई। और मैं करती भी क्या, अगर ये नौकरी करने लगती तो सारे घर के काम मेरे मथे आ जाते और इसके हाव भाव भी तो बदल जाते, इसलिए मुझे ये नाटक करना पड़ा। वक्त गुजरता है और एक दिन विनीता अपनी ननद को फोन करके उससे बातें करती है और विनीता के बहुत जिद करने पर अनु अपनी सास की इजाजत और आशीर्वाद लेकर अपने मायके आती है और कुछ ही घंटों बाद उसकी सास का कॉल आता है और वो बोलती है, क्या कर रही है मेरी प्यारी बहू रानी? बैठी हूँ सासू माँ, आप ठीक तो है ना? अरे वो तेरे जाने के बाद रसोई में मैं चाय बना रही थी, पता नहीं अचानक मेरा पैर कैसे फिसल गया और चोट लग गई। धीरे धीरे कर रही हूँ काम, लगता है ये दर्द तो मेरी जान ही ले लेगा। अरे राम। माँ जी आप चिंता मत करिए, मैं अभी आ रही हूँ, आप आराम करिए। लेकिन बहू, अनु जल्दी से अपना पर्स उठाकर जाने के लिए खड़ी हो जाती है और विनीता बोलती है, अरे अनु इतना हड़बड़ा क्यों रही हो? भाभी सासू माँ गिर गई है, मुझे जाना होगा। अरे ऐसे कैसे, ये रुक्मणी आंटी भी ना अपनी चाल से बाज नहीं आती, अनु के यहाँ कदम पड़ने के साथ ही उनकी बीमारियाँ शुरू हो जाती हैं और ये मेरी भोली ननद इनकी चाल समझ ही नहीं पाती। भाभी मैं चलती हूँ। अनु मुझे लगता है तुम्हारी सास ये नाटक जानबूझ के कर रही है सिर्फ तुम्हें बुलाने के लिए। भाभी कुछ भी हो, माँ ने हमेशा मुझे सिखाया है कि सास ससुर माँ बाप के समान होते हैं, मैं माँ जी को ऐसे तकलीफ में नहीं छोड़ सकती, ये तो मेरे संस्कारों की तोहीन होगी। अनु अपनी भाभी की बात को अनसुना करके चली जाती है और वो जैसे ही घर पहुंचती है तो रुक्मणी को ठीक देखकर वो छुपकर बोलती है, माँ जी तो बिल्कुल ठीक है, इसका मतलब भाभी सही कह रही थी। अनु जल्दी से अंदर जाकर अपनी सास से बोलती है, माँ जी आप तो गिर गई थी ना, आपको देखकर लग नहीं रहा कि आपके कमर या पैर में चोट लगी हो। अच्छा बहू, तो अब तुम मुझसे सवाल जवाब करेगी, यही सिखाया है तेरी माँ ने, यही है तेरी माँ के दिए घटिया संस्कार। बस कीजिए माँ जी, आज तक आप मेरे अच्छे व्यवहार और मेरे संस्कारों का फायदा उठाती रही, मैं सिर्फ अपनी माँ के दिए हुए संस्कारों के कारण ही आपकी इज्जत करती थी, क्योंकि कहीं ना कहीं मेरे मन में एक आस थी कि आप बदल जाएंगी, लेकिन नहीं, मैं गलत थी। बहू तो चिल्ला क्यों रही है मुझ पर, मैं तेरी सास हूँ। मैंने आपको माँ समझा था लेकिन आपने कभी मुझे अपनी बेटी समझा ही नहीं, मेरी भाभी सही कहती थी आपके बारे में, अब मैं यहाँ से हमेशा के लिए जा रही हूँ। अरे मैं भी इंसान हूँ, कोई रोबोट तो नहीं हूँ, और आपको कोई हक नहीं बनता मेरे संस्कारों का फायदा उठाने का। अरे बहू रुक जा, ऐसा मत कर, गलती हो गई, अपनी सास को माफ कर दे। मैं आपको एक ही शर्त पर माफ करूँगी। बोल बहू मैं क्या करूँ? तो वादा कीजिए, जैसे मैं आपको अपनी माँ मानती हूँ वैसे ही आप भी मुझे अपनी बहू नहीं बल्कि बेटी ही मानेंगी। हाँ बहू मैं वादा करती हूँ,
अगर तू नॉन संस्कारी भी हो गई, तो भी मैं तेरी गलती इग्नोर करूंगी जैसे तू करती थी। अब तेरी सास की बारी है संस्कारी सास बनने की। इतना बोलकर सास बहू की ये जोड़ी गले मिलकर सभी गिले शिकवे दूर करती है और तेज तर्रार दिमाग वाली सास एक समझदार सास में बदल जाती है। जॉनी और रामलाल टीवी पर फिल्म देख रहे थे। फिल्म के मजे लेते हुए वो बहुत ही हंस रहे थे। ये सब देखकर जॉनी की माँ जलेबी उन दोनों को बोलती है, दोनों बाप बेटे बस बैठे बैठे खाट तोड़ते रहो। खसी के ठहाकों की आवाज दीवारों को चीरकर पड़ोसियों के घरों में जा रही होगी। अभी आती ही होगी आपकी फेवरेट पड़ोसन। अरे जलेबी भाई जी, आप क्यों अपना मुंह सड़ा रही हैं? मेरे फेवरेट एक्टर जॉनी लीवर की फिल्म आ रही है टीवी पर, आप भी आ जाओ देख लो। आज का वीकेंड तो बहुत ही मजेदार साबित हुआ मेरे लिए। अरे ना जी ना, मुझे कहाँ फुर्सत ये फिल्म विलम देखने के लिए। आप दोनों ही मजे लो जिंदगी के। हमें आटा दाल के भाव का हिसाब किताब रखने से ही फुर्सत मिले, तब हमारे नसीब में जॉनी लीवर की फिल्म होगी। अरे माँ आओ ना, बहुत मजा आ रहा है। मैं यानी आपका बेटा जॉनी आपको बुला रहा है। एक दिन काम नहीं करोगी तो क्या बिजनेस ढह थोड़ी जाएगा? एक दिन तो हमारे साथ वक्त गुजारिए। अजी तनिक लाज शर्म रह गई है कि नहीं? 25 साल का बेटा है आपका, थोड़ा तो समझा कीजिए। जलेबी की इतनी बात सुनकर जॉनी खांसते हुए कमरे से बाहर चला जाता है। रामलाल जॉनी के जाने के बाद जलेबी से बोलता है, देखा तुम्हारा बेटा अब समझदार हो गया है, अपने आप ही उठकर चला गया। अब तो आओ एक साथ मूवी देखते हैं। आप कभी नहीं सुधरोगे। जॉनी लीवर का डायलॉग बोलता हूँ, बस दिमाग सुधरने के लिए बिगड़ा था मैं। इतना बोलकर रामलाल और जलेबी टीवी पर जॉनी लीवर की फिल्म देखते हैं। इधर जॉनी अपनी गर्लफ्रेंड नीता से मिलने जाता है। जॉनी उसे कॉल करके पूल के पास आने को कहता है। थोड़ी देर बाद नीता उसके पास आकर बोलती है, अरे आज तो तुम्हारे फेवरेट जॉनी लीवर की फिल्म आ रही थी, हमारे घर में सभी एक साथ बैठकर देख रहे थे, लेकिन तुम्हारा फोन आने की वजह से मैंने अपनी फिल्म मिस कर दी। अच्छा तो तुम्हारे घर में भी? एक्चुअली मेरे घर में भी पापा और मैं टीवी पर जॉनी भाई साहब की मूवी ही देख रहे थे, लेकिन पापा का मन था कि मम्मी के साथ अकेले देखें, तो मैं उन्हें कुछ देर के लिए अकेले समय दे आया और तुमसे मिलने चला आया। तुम भी कभी कभी अपने माँ पापा पर रहम कर दिया करो। बहुत समझदार हो आप मिस्टर जॉनी जी, आपकी तारीफ में जितना भी कहा जाए कम है। हूना स्मार्ट। मैं अपनी फैमिली के साथ बैठी फिल्म देख रही थी, अब इस बंदर जॉनी के साथ मुझे डायलॉग बाजी करनी होगी। अच्छा अब तुम अपने होने वाले पति को ऐसे बोलोगी? अच्छा तुमने जॉनी भाई की आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया मूवी देखी है? वो मूवी तो जब भी आ जाए तो हमारे घर में सारे काम धंधे छोड़कर मूवी देखने के लिए जुट जाते हैं। क्या कमाल की एक्टिंग की है उस मूवी में, मजा आ जाता है उस मूवी को देखकर। जितनी बार देखो उतना कम है। मैं उनकी कॉमेडी वीडियोस यूट्यूब पर देखती हूँ, मेरा तो हंसते हंसते पेट ही दर्द हो जाता है, लेकिन हंसी फिर भी नहीं रुकती। मैं भी उन्हीं की तरह फिल्मों में कॉमेडियन का रोल करना चाहता हूँ। मेरे तो पापा भी बड़े गजब के फैन हैं, इतने ज्यादा कि उन्होंने अपने इकलौते बेटे यानी मेरा नाम जॉनी रखा। मेरी माँ तो मुझे हमेशा से ही जॉनी लीवर की बेटी की तरह टैलेंटेड बनाना चाहती थी, वो भी स्टैंड अप कॉमेडी बहुत अच्छी करती है। दोनों बातों में इतने मगन हो जाते हैं कि उन्हें शाम होने का भी पता नहीं चलता। जॉनी के घर से उसकी माँ का कॉल आता है और कॉल देखते ही वो नीता को बाय बोलकर घर आता है। जलेबी उसे देखकर बोलती है, कहाँ था तू? आपकी बहू से मिलने गया था। कौन है वो कलमूही? माँ अब उसे कलमूही तो मत बोलो। तो क्या बोलूँ, तूने कभी मिलवाया? हाँ वो भी यही कहती है कि आंटी से मिलवा दे, मैं ही उसे मना कर देता हूँ। पसंद करते हो एक दूसरे को या बस ऐसे ही? इधर मैं हनीमून की प्लानिंग करके बैठा हूँ और आप पूछ रही हो कि पसंद करता है या नहीं। तू अपने बाप से भी तेज निकला, उसके घर वालों को कल बुला लियो। ठीक है। जॉनी उसके घर वालों को इन्फॉर्म करता है। अगले दिन नीता के मम्मी पापा जॉनी के घर उसे देखने आते हैं। रामलाल और जलेबी उनकी खातिरदारी अच्छे से करते हैं और बातों ही बातों में नीता के पिता निखिल रामलाल से पूछते हुए बोलते हैं, आपके बेटे का नाम जॉनी क्यों रखा? मेरा मतलब है जॉनी लीवर जी से आपको कुछ ज्यादा ही लगाव है।
मैं और मेरा बेटा जॉनी लीवर के फैन है। मेरे बेटे का नाम जॉनी भी मैंने इसलिए रखा था क्योंकि मेरा और जलेबी जी का फेवरेट कॉमेडियन एक्टर जॉनी साहब ही रहे हैं। जॉनी के जन्म के बाद इस घर में सिर्फ खुशियाँ ही खुशियाँ आई हैं, दुख तो कभी रहा ही नहीं। आपस में बातचीत करते हुए नीता के घर वाले जॉनी को पसंद कर लेते हैं और पंडित जी से कुछ दिन बाद शादी का मुहूर्त निकलवा लेते हैं। थोड़े ही दिनों बाद उन दोनों की शादी भी हो जाती है। वो लोग खुशी खुशी साथ रहने लगते हैं। एक सुबह नीता उसे उठाते हुए बोलती है, अरे सुबह के 7 बज चुके हैं, अब तो उठ जाइए। मुझे सोने दो यार। अरे जॉनी जी, ऑफिस नहीं जाना क्या? नीता उसे जगाती है और थोड़ी देर बाद वो तैयार होकर ऑफिस के लिए निकल जाता है। बॉस को सवेरे की गुड मॉर्निंग विश करने के बाद वो अपने कामों में लग जाता है। लंच के बाद दोपहर में ऑफिस की लाइट चली जाती है और इत्तेफाक से इन्वर्टर भी खराब होता है। ऑफिस के सभी एम्प्लॉयज साथ में बैठकर गप्पे मार रहे होते हैं। तभी जॉनी उन्हें शायराना अंदाज में बोलता है, अर्ज क्या है? इरशाद इरशाद। तेरे दर पर सनम हम 1000 बार आएंगे, तेरे दर पर सनम हम 1000 बार आएंगे, घंटी बजाएंगे और भाग जाएंगे। क्या खूब क्या खूब। मेरा दिल मेरी जान जाने जहाँ ले लेना, मेरा दिल मेरी जान जाने जहाँ ले लेना। आज बहुत महक रही हो, आज बहुत महक रही हो, घर जाकर थोड़ा नहा लेना। ओ माशाल्लाह माशाल्लाह, आगे फरमाइए। ये बहुत मजेदार है, ध्यान से सुनिएगा कि अलग किस्म का सुरूर है दुनिया पर छाया, अलग किस्म का सुरूर है दुनिया पर छाया। साला हर कोई यही कह रहा है, मेरे बाबू ने थाना थाया। छा गए जॉनी जी। इतना बोलने पर ऑफिस की लाइट वापस आती है और जॉनी की तारीफ करते हुए बॉस उसे बोलता है, वाह वाह हमारे ऑफिस के जॉनी लीवर, वाह मजा आ गया, तुम्हारे चुटकुले सच में लाजवाब है। तुम ये सब खुद से लिखते हो? सर मुझे जॉनी लीवर जी बहुत पसंद है, मैं उनका बहुत बड़ा फैन हूँ, इसीलिए मैं उन्हीं की तरह बनने की कोशिश करता हूँ। मेरे मुंह पर उनके डायलॉग्स रटे हुए हैं, मैं उनकी तरह ही लोगों में खुशियाँ बांटना चाहता हूँ। मैं तुम्हारी इस मामले में हेल्प कर सकता हूँ क्योंकि मेरा एक फ्रेंड बहुत बड़ा मैगजीन पब्लिशर है। मैं तुम्हारे जोक्स और चुटकुले उसकी मैगजीन में छापने की बात करता हूँ। उसकी मैगजीन पूरे वर्ल्ड में फेमस है। मैं तुम्हें जॉनी लीवर जी की तरह तो नहीं बना सकता, लेकिन थोड़ी कोशिश जरूर कर सकता हूँ। और मैं तो ये कहूँगा कि तुम फिल्म डायरेक्टर्स को भी इंटरव्यू वगैरह दो भाई, क्योंकि तुम अपने टैलेंट को और भी निखार सकते हो। थैंक्स फॉर एप्रिसिएशन सर। कुछ दिन बाद बॉस की मदद से जॉनी की जोक्स और चुटकुले सारी दुनिया के सामने आते हैं। दोस्तों अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।